हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में जिसका नाम है माय हेल्प एंड सपोर्ट। तो दोस्तों, मैं आज को आप बताने वाला हूँ कि पेटीएम से आप 100% कैशबैक किस तरीके से ले सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बिजली का बिल भर के किस तरीके से 10% कैशबैक ले सकते हो, वो भी पेटीएम से। तो करना क्या है दोस्तों, आपको सबसे पहले पेटीएम ओपन करना है। पेटीएम में ओपन करने के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी खोलना है। इलेक्ट्रिसिटी खोलने के बाद आपको यहाँ से चॉइस करना है जो आपका स्टेट वगैरह, जो भी स्टेट है आपका, जैसे मेरा दिल्ली है तो मैं अपना न्यू दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मेरा कौन सा है, राजधानी दिल्ली है या यमुना दिल्ली है, टाटा पावर है, तो मेरा टाटा पावर आता है तो मैं टाटा पावर यूज करता हूँ। उसके बाद मैं अपना कस्टमर नंबर डालता हूँ, तो ये मैंने अपना कस्टमर नंबर डाला है इसमें 6002095753 0। फिर यहाँ से प्रोसेस कर देता हूँ। प्रोसेस करने के बाद पहले यहाँ पे मेरा बिल फैक्टिंग करेगा कितना बिल है, तो मेरा यहाँ पे 1000 की बिल दिखा रहा है, अमाउंट के साथ दिखा रहा है। यहाँ पे मैं प्रोसेस कर देता हूँ। प्रोसेस करने के बाद है प्रोमो कोड, मेरे पास प्रोमो कोड नहीं है लेकिन कुछ प्रोमो कोड होते हैं जिसमें पहले से ही होते हैं, तो यहाँ से हम प्रोमो कोड सिलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे को एक प्रोमो कोड मैंने नेट पे सर्च मार के देखा है, तो एक प्रोमो कोड मैं डायल कर लेता हूँ। तो जो प्रोमो कोड है वो है EPDDL और 100, क्योंकि मेरे को 100% कैशबैक चाहिए, तो इस वजह से मैंने जो कोड डाला है वो डाला है TPDDL100। तो यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे नीचे लिखा आ जाएगा सक्सेस योर कैशबैक एंड 100 rupees विल बी क्रेडिट। तो यहाँ से प्रोसेस पे कर देता हूँ। प्रोसेस पे करने के बाद यहाँ पे कम्प्लीटली पेमेंट के लिए बोलेगा, तो जो भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जो मेरी पेमेंट जो मैं करने वाला हूँ वो अपने पेटीएम बैंक से करूंगा। पेमेंट यानी यहाँ पे लिखा हुआ यूज पेटीएम बैंक अकाउंट, क्योंकि मेरे पेटीएम वॉलेट के अंदर बैलेंस नहीं है, ना मैं डेबिट कार्ड यूज करना चाह रहा, ना क्रेडिट कार्ड यूज करना चाह रहा, ना ही मैं नेट बैंकिंग यूज करके पेमेंट करना चाह रहा। तो मैंने जो है पहले से पेमेंट बैंक में एड कर रखा है बैलेंस, तो मैं वो यूज करूंगा। तो यहाँ पे जो पिन मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, वो पेटीएम बैंक का मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना पेटीएम बैंक का पिन डाल देता हूँ, जो भी मेरा पिन मैंने बना रखा है, और यहाँ से पे नाउ कर देता हूँ। पे नाउ करने के बाद ये इनकरेक्ट बता रहा है पिन, यहाँ पे पिन इनकरेक्ट बता रहा है, तो मैं यहाँ से पेमेंट नहीं करता हूँ, डेबिट कार्ड ले लेता हूँ। डेबिट कार्ड में अपना डेबिट कार्ड नंबर डालता हूँ। ये मैंने अपना डेबिट कार्ड नंबर डाला, यहाँ मैंने एक्सपायरी डेट डाल दी, तो यहाँ पर मैंने सीवीवी नंबर डाल दिया, प्रोसेस टू पे कर दिया। तो सर फोन पे एक OTP आएगा, ये मैंने OTP दिया, और सबमिट कर दिया। थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे देखिए प्रोसेस आ गया है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा वेट करते हैं, पेमेंट मेरी हो चुकी है, मेरे दूसरे फोन पे मैसेज आ गया है और यहाँ पे सक्सेस लिखा भी आ जाएगा अभी। ये देखिए यहाँ पे सक्सेस भी लिखा भी आ गया है और नीचे लिखा भी हुआ है सक्सेस योर कैशबैक 100 rupees विल बी क्रेडिट इन 24 आवर्स, यानी 24 आवर्स के अंदर 100 rupees का कैशबैक मेरे को वापस मिल जाएगा। एक बार पासबुक में चेक कर लेते हैं हमें कैशबैक मिला है या नहीं मिला। अभी हमारे पास कैशबैक नहीं आया है, तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करते हैं कैशबैक का। वैसे 24 आवर्स में आ जाता है कैशबैक।